खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। चलिए इसमें एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, हम आपको लिए चलते हैं NCL दुधीचुआ। बताते चले कि 100 टन क्षमता वाला डंपर KM34 बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर जो है प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। बताते चले कि इन दिनों जो है सुर्खियां भी बटोर रहा है NCL दुधीचुआ। चलिए हम आपको सीधे मुद्दे पर लिए चलते हैं। NCL दुधीचुआ परियोजना आए दिन सुर्खियां बटोर रहा है, प्रबंधन की एक लापरवाही फिर सामने आई है। बीती रात रात्रि पाली डंपर ऑपरेटर सलेम सिंह एक्स आर्मी, उम्र लगभग 40 वर्ष, जो कि बाल बाल बच गए। डंपर ऑपरेटर दुधीचुआ खदान के ईस्ट सेक्शन सन के सावल मशीन से कोयला लोडकर डंपर क्रमांक KM34 डंपिंग यार्ड पहुंची। इसी दौरान कोयला का डंपिंग यार्ड का डिवाइडर सही न होने के कारण 100 टन क्षमता वाला डंपर 30 फीट गहरी खाई में जाने से बच गया और यह डंपर जो है पूरी तरह से बीचों बीच आकर लटक गया। हालांकि घटना में ऑपरेटर सलेन सिंह एक्स आर्मी को मामूली चोट आई है। सूत्र बताते हैं कि घटना की सूचना मिलते ही NCL दुधीचुआ खदान के अधिकारी शिफ्ट इंचार्ज गहरवार साहब और DGM माइंस राजीव चोपड़ा घटनास्थल पर काफी देर से पहुंचे थे। NCL दुधीचुआ खदान में हादसों में कमी नहीं आ रही है, इससे कंपनी को नुकसान के साथ ही कर्मियों की जान खतरे में बनी रहती है। सूत्र बताते हैं कि कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने की प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों पर खासा दबाव बना रहता है, ऐसे में इस तरह की घटना होना लाजमी है। आपको बताते चले कि डंपर ऑपरेटरों द्वारा यहां तो स्वार्थवश कोयला फेस में डंपर ले जाया जाता है, अथवा कभी कभार डंपर ऑपरेटर की शिकायत को नजरअंदाज कर प्रबंधन द्वारा जबरन मशीनों पर परिचालन कराया जाता है। सूत्र बताते हैं कि कार डंपिंग यार्ड में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल डंपर की लाइट के भरोसे डंप किया जा रहा है, तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। यह तो ऊपर वाले की कृपा रही कि डंपर ऑपरेटर सलेन सिंह बाल बाल बच गए और परियोजना में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताते चले कि KM34 ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल हाइड्रोलिक पाइप और डीजल टैंक क्षतिग्रस्त हुआ है। कहते हैं कि खदान क्षेत्र में हमेशा असुरक्षित तरीके से प्रबंधन द्वारा काम कराया जाता है, जो घटना का कारण बनता है, जिसको लेकर श्रमिकों में असंतोष व्याप्त रहता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।